होटल में कुछ नहीं, खाली टूरिस्ट से कमाए कुछ देखिए ना। एक देने के बाद सीट बनने में 35 दिन के करीब लग जाते हैं। कई सारे स्टेजेस आते हैं, जूलिया मेटा जूलिया क्या क्या, तब जाके पोस्ट लार्वा होता है, तो 35 दिन के करीब हो जाता है। और जो पोस्ट लार्वा स्टॉक करते हैं वो 10 दिन के करीब वाला होना चाहिए, जैसे PL10 बोलते हैं। आप मार्केट में जाएंगे वो पूछेगा कि कौन सा सीट चाहिए आपको, PL10 चाहिए, PL11, PL12, इस हिसाब से बोलेगा, तो आपको कन्फ्यूजन होगा। इससे मतलब हुआ कि पोस्ट लार्वी 10 दिन वाला, 10 दिन का पोस्ट लार्वी है, चाहे 11 दिन का है, चाहे 9 दिन का है, तो 10 दिन वाले को अच्छी मान लिया। अंडे भी काफी होते हैं, इसकी मादा तो काफी महंगी बिकती है। हमने सुना है कि एक मादा 6,000 रुपए की बिकती है, 100-150 ग्राम की है, 6,000 रुपए की एक मादा। हाँ, अपने देश में। अच्छा, हाँ, जहाँ भी मतलब कोई चाहता है कि हम ब्रूडर खरीदे, हैचरी वाला खरीदने जाता है, तो 5,000 6,000 रुपए का। अच्छा, उसके लिए मेरी बता बनाने के लिए कार्बन नाइट्रोजन 15:1 कार्बन नाइट्रोजन मेंटेन करना होता है। ये कार्बन नाइट्रोजन किस लिए चाहिए, वो जो बैक्टीरिया ग्रो कराना है उनकी कमी ना हो, जिनका कई सारा काम है, पानी को स्वच्छ रखना है और मछलियों का भोजन बनना है। और ये लेटेस्ट हेल्थ केयर फॉर, इसको क्या बोलते हैं, हेटकी को सी बॉस, ये देसी मांगुर जो वहाँ बिहार की स्टेट फिश है, देसी मांगुर वाली थाई को मत लीजिएगा। और ये झींगा, ये वाला प्रॉन ही है, माइक्रोबैक्टीरियम ब्रैकिस वाटर सिंगी सर, रोहू कतला 9 भी सिंगी का रेकमेंडेशन नहीं है, इस्लाम में नहीं लिखा है, आपको लिखना है। एक सालमन मछली पे भी इसका काम हो रहा है, और तिलापिया, इन सब मछली का संस्तुति दी गई है, उसको सुखाना है, पूरा ड्राई करना है, पाउडर करना है, ये सब चर्चा हम लोग कर चुके हैं, यही सब लिखा है। और ये सब मिला करके और 15-15 ये भी लिखा हुआ है, ऐसे एल्किलिटी भी इसी बीच होनी चाहिए, वो भी चूना ही उसका काम करेगा, हार्डनेस भी नहीं, अमोनिया ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अमोनिया ज़्यादा हो रहा है तो आप
एरेशन कर रहे हैं इसलिए यही लिखा है कि एरेशन करना चाहिए, तो आप उन्होंने काम किया ये सब नाइट्राइट नाइट्रेट का भी यही है कि मोटी लेवल ठीक होना चाहिए। देखिए खर्चे का भी हमने वो किया था 40 क्यूबिक मीटर पानी में, तो 1,45,000 लीटर नेट इनकम हुई है और जो खर्चा हुआ है वो कितना हुआ है वो तो 5,56,000 खर्चा, 7,00,000 का टोटल इनकम, 1,43,000 उसमें हमने टैंक वैंक का सब हो जुड़ा है। एडवांटेज तो आप बहुत जान गए, वो कह रहे थे क्या क्या डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज का और कोई दूसरा रास्ता अगर है तो आप लोग बताइएगा तो मैं बता रहा हूँ उसके बाद। आप बोल काट लीजिए, कुली लगा लीजिए, कुली में रस्सी तोड़ाइए और उसमें दो तीन बैग लटकाइए और जब भी खाना दीजिए आफ्टर सन ब्रेक सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के बाद खाना नहीं देना। यह फैक्ट हम लोग पर भी लागू होता है, हम लोग के जो फोर फादर के फोर फादर जो थे वो अंधेरा होते खाना छोड़ देते हैं। इसके पीछे एक रीजन है, साइंटिफिक रीजन है कि ऑक्सीडेशन की क्रिया नहीं होती। ऑक्सीजन मैंने रात में सूर्य के उपस्थिति में ये आपके कोई भी डाइजेशन या कोई भी चीज़ बड़ा फास्ट होता है और अंधेरा होने पर बहुत चीज़ स्लो हो जाती है। तो पहले के लोग अंधेरा होने से पहले खाना ख़त्म करके और अर्ली भी तो उसको खाना